बहुत स्वागत है जी सारियां दा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम करांगे। जसमीत भाटिया जी मेरे नाल मौजूद ने, लैंडमार्क इमीग्रेशन दे चीफ ने। कनेडा तो धड़ाधड़ वीज़ियां तो वड्डे वड्डे कंसल्टेंट भी हैरान ने। हालांकि वो लोग बिल्कुल चुप हो गए ने जिहड़े कहिंदे सी कि कनेडा बंद हो गया, पर अचानक कनेडा इन्ने ज़्यादा तेज़ी दे नाल रिजल्ट क्यों दे रहा है, या ये रिजल्ट पहला भी इन्नी तेज़ी दे नाल आ रहा सी ते किसी ने महसूस नहीं किया। ये विषय दे नाल नाल लैंडमार्क इमीग्रेशन ने जुलाई दे विच किन्ने रिजल्ट हासिल किए ने। जसमीत जी के अंदाजे मुताबक 230 तो ज़्यादा रिजल्ट लैंडमार्क इमीग्रेशन ने हासिल किए ने। सो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट दे विच असीं देख सकते हैं कि बहुत तेज़ रिजल्ट आ रहे हैं। ये नाल सितंबर इनटेक किन्ना क क्लीयर होएगा, किन्ने क स्टूडेंट सितंबर इनटेक के रिजल्ट लै जाएंगे, किन्नियां क नूं डैफर करना पएगा, ये सवाल बचता है। सो जो साल का टारगेट है सुरेंद्र जी, साल का टारगेट बहुत वड्डा है कि कहिंदे आ कैनेडा का साल का टारगेट 2.5 लाख वीज़ा देण दा हैगा। सो इस टाइम तो मैनूं लगता है कि सितंबर इनटेक सब तो वड्डा इनटेक हुंदा कैनेडा लई। सो देखण नूं मिलिया कि रीसेंटली हुणे 24 घंटे दे विच भी साढ़े बहुत सारे बच्चों नूं PPRs आईआं। सो 24 आवर्स विच भी बच्चों नूं बहुत सारिया PPRs आईआं, विच इज़ रियली रियली अ गुड थिंग कि प्रोसैसिंग टाइम रिड्यूस होंदा जा रहा। पर इहदा मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे बच्चों नूं ही इन्नी जल्दी PPRs आ रही हैं। काफ़ी बच्चे फैबररी दे भी पेंडिंग है, मई दे भी पेंडिंग है, मार्च दे भी पेंडिंग है। हुण इदा भी है कि स्टूडेंट्स जिन्हां ने फाइलां हुण लाइया या कई ने फाइलां हुण लाइया, सो मे बी देयर इज़ अ सैपरेट टीम जिहड़ी उन्हां नूं जल्दी प्रोसैसिंग करके वीज़ा दे रही है। सो स्टूडेंट्स मैनू लगता है कि इस टाइम ते कैनेडा इज़ रियली रियली पॉजिटिव, और स्टूडेंट्स जिहड़े पेंडिंग फाइलां हैगियां उन्हां नूं पॉजिटिव रिजल्ट्स देण दी पूरी पूरी उम्मीद लोग रख सकते हैं, हो सकते हैं 5-10% 20% डेफर का जिहड़ा एक खतरा बनया होया। किन्ने परसेंट स्टूडेंट्स ते है कि वो सितंबर च रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उन्होंने जनवरी च डेफर होना पएगा या मई या सितंबर, तुहाडा एक्सपीरियंस इहदे ते की कहिंदा है? सो देखो 20% बच्चों नूं मैनूं लगता डेफर होना पएगा फॉर नैक्सट इनटेक। सो 20% बच्चे डेफर होणगे ही होणगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, 5-6 लाख फाइल ऑलरेडी पेंडिंग है। सो स्टूडेंट उन्हां विचों जे स्टूडेंट नूं की कहिंदे आ 4.5 लाख वीज़ा साल दा कैनेडा ने देना, सो सारा वीज़ा इंडिया तो नहीं देना। अज दी डेट च कैनेडा नेपाल तो भी बहुत सारे वीज़ा दे रहा है, बांग्लादेश तो भी बहुत वीज़ाज दे रहा है, अफ्रीका तो भी बहुत वीज़ा दे रहा है, ईवन पाकिस्तान तो भी बहुत वीज़ा दे रहा है। यूरोपियन स्टूडेंट भी बहुत सारे कैनेडा मूव करना चाहते हैं, बट इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। एंड इंडिया जिहड़ी चाइना च थोड़ा जिहा ड्रॉप होया क्योंकि चाइना च इदां होया कि पासपोर्ट भी नहीं इशू हो रहे बच्चों नूं। सो जिहड़ा चाइना च थोड़ा जिहा ड्रॉप होया जिहड़े नंबर्स दा, वो इंडिया तो कवर अप करन दी कोशिश की जा रही है, और मैनूं लगता है कि आने वाले 3-4 महीने कैनेडा दे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाण वाले ने। बिल्कुल ठीक है। सो आने वाले जिहड़े 2-3 महीने ने वो कैनेडा दे काफ़ी पॉजिटिव ने जिहड़े, वो हो सकते हैं। जसमीत जी लैंडमार्क इमीग्रेशन का रिकॉर्ड भी मैंने जुलाई महीने के एंड तक पहुँचते किन्ना क्या इस वक्त, ये भी तुसी जरूर शेयर करो अप्रोक्सीमेट आइडिया, तुहाडे रिजल्ट किन्ने आ चुके ने? सो मैनू लगता है कि 450+ सितंबर इनटेक के रिजल्ट आ चुके ने टोटल कुल अज तक दे। तो 450+ सितंबर इनटेक के रिजल्ट आ चुके ने, और होर 300-400 की मैंने उम्मीद है कि सितंबर इनटेक से जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आने की पूरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है जी। कल जुलाई की गल करिए 200 तो पार हो गए, 230-240 के करीब जुलाई में साढ़े वीज़ा रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच जसमीत जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी जसमीत जी ने शेयर की है, ताकि स्टूडेंट्स ग्राउंड रियलिटी समझ सकन। कोई सच्चाई नहीं है कि कनेडा बंद हो रहा, जिस दिन कनेडा बंद होया उस दिन दुनिया भर के अखबारों टैलीविजनों के खबर चलन गिया। सो इस करके किसी एक अद्धे व्यक्ति वालों ये कहना कि कनेडा बंद है, ये समझो कि उस व्यक्ति लिए कनेडा बंद है क्योंकि वह व्यक्ति कनेडा दे उन्हां प्राइवेट कॉलेजेस दे विच ज़्यादातर स्टूडेंट्स भेजते होंगे, गाइड करते होंगे, जिन्हां नूं हुण पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्यूबिक च भी नहीं मिलना। सो कदे भी उस प्राइवेट कॉलेज ना जाओ जिहदे विच पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, जिथे लीगल राइट है तुहाडे काम करन दा सिर्फ उसे कॉलेज दे विच जाओ। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।